तो आज का जो हेलमेट होने वाला है वो जैसे कि मैंने आपको पोस्टर लगा हुआ है, तो ये हेलमेट भी आपका ट्रैक पे ही यूज़ हो रहा है। स्मॉल से लेके लार्ज साइज तक अवेलेबल है, उसके बाद ECE ही मिलता है आपको सारे साइज। तो इस वाले हेलमेट के बारे में आज, तो ये है हमारे हेलमेट का बैक का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो। तो आज हम आपको जो दिखाने वाले हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा बाइकर एंथुजियास्ट लोगों के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है, और वो चीज़ मेन प्रोटेक्शन है, और मेन प्रोटेक्शन जो होती है हेलमेट की। तो आज का जो हेलमेट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज़्यादा देर न करते हुए हेलमेट के करेंगे अनबॉक्सिंग। तो आज का जो कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है अनबॉक्सिंग के ऊपर। हेलमेट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, हेलमेट का कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का शेल का बना उसके बारे में बात करेंगे, और जो सर्टिफिकेशन मिली हुई है तो स्पेशल सर्टिफिकेशन क्यों है, क्यों इस हेलमेट का प्राइस इतना रहेगा और क्या प्राइस रहेगा, सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपने क्या करना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है, एंड तक बने रहने वीडियो में, और पसंद आए तो उसे लाइक करके जाना इस वीडियो को, और बाकी चीज़ बाद में करेंगे। और फटाफट से स्विच करते कैमरा और आपको दिखाते हैं वो हेलमेट। तो आज का जो हेलमेट होने वाला है वो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ MT KRE प्लस। तो MT का KRE प्लस कार्बन फाइबर हेलमेट है जो कि FIM सर्टिफाइड हेलमेट है, और जो ट्रैक पर्पस हेलमेट है ये हेलमेट सर्जियो ग्रासिया एंड आपका पेद्रो कोस्ता, काफ़ी सारे ऐसे रेसर्स हैं जिनको आप अभी इंस्टाग्राम पे भी चेक करके देख सकते हैं। तो मोस्टली राइडर्स जो है MT का KRE प्लस उसमें पहन के पार्टिसिपेट करते हैं। और एक मैं आपको ग्लिम्स भी दिखाता हूँ जो कि हमारे यहाँ पे स्टोर में जो है पोस्टर लगा हुआ है। तो ये हेलमेट भी आपका ट्रैक पे ही यूज़ हो रहा है। तो इस वाले हेलमेट के बारे में आज हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, और मैं इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करूंगा, और अनबॉक्स के बाद इसमें दिखाएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ आपको साथ में मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात करेंगे बाहर की आउटर पैकेज के बारे में। तो यहाँ पे हमें MT का लोगो मिलता है, MT हेलमेट्स प्लस। यहाँ पे हमें इसका ब्रांडिंग मॉडल का नाम शो होता है, फुल कार्बन स्ट्रक्चर हेलमेट, फुल कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर KRE प्लस, ओके। और अगर आप इस तरीके से देखेंगे बॉक्स को तो यहाँ पे हम प्रॉपर देख सकते हैं कि हेलमेट का जो इसका प्लेन वेरिएशन आता है उसकी एक पिक्चर लगा रखी है, और इस पर लिखा हुआ रेडी स्टडी एंड गो। तो ये जो गो है ये बिल्कुल ऐसे पूरा बॉक्स के लार्ज साइज घूमा हुआ है। एंड व्हाट्स योर वाई? वाई हम जो है आपका एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर लार्ज साइज तक अवेलेबल है, उसके बाद ECE ही मिलता है आपको सारे साइज के अंदर। तो अगर आप मतलब प्लान कर रहे हैं, अगर आपको FIM सर्टिफिकेशन चाहिए तो एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर अगर लार्ज साइज तक आपका हेड साइज है तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू इन एडवांस, आपको FIM सर्टिफिकेशन उसमें मिल सकती है। बट उसके बाद जो अगर कोई भी साइज बड़े आते हैं इन केस, तो उसमें आपको FIM सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी। चलिए ओपन करते हैं बॉक्स को। तो मेन जो कंटेंट्स है एक बार उसको निकाल लेंगे और मैं आपको ऐसे वीडियो में दिखाता रहूँगा। तो अभी ओपन करने का बॉक्स में पहले तो ऊपर ये प्रोटेक्शन के लिए फॉर्म मिल जाती है हमें, और सामान काफ़ी रखा हुआ है इसके अंदर। तो एक मिलता है हमें ब्लैक स्मोक वाइजर, एंड इसका जो कोड है दैट इज़ V29। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई वाइजर कौन सा लगेगा, MT है तो, क्योंकि MT के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं और कोड वाइज हेलमेट के वाइजर्स होते हैं, तो इसका V29 है। तो अगर कभी भी KRE प्लस का वाइजर अगर आपको लेना हो, सो व्हाट यू हैव टू से, व्हाट यू हैव टू मेंशन के V29। तो एक बार फोकस थोड़ा सा बना लेते हैं, V29 इज द कोड। तो इसमें एक ब्लैक स्मोक वाइजर आपको हेलमेट के साथ ही मिलेगा इंक्लूडेड। तो एक बार हेलमेट का बैग निकाल देते हैं। तो ये है हमारे हेलमेट का बैग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्टर्डी है, आप इसको इस तरीके से हैंग कर सकते हो। तो अभी इसको दिखाएंगे पर्टिकुलर बैक कैमरा के एंगल से, तो फिलहाल के लिए इसे रखते हैं। तो इसमें मिलेगा हमें एक हेलमेट का बैग, इसके अंदर हमारा हेलमेट रखा हुआ है। दिस इज पिनलॉक 70। तो ये जो है आपका एंटी फॉग है जो कि KRE प्लस के लिए बना हुआ है, और इसमें मेंशन भी कर रखा है मैक्स विजन MT V29, ठीक है। तो V29 इज द कोड अगेन। तो इसका एंटी फॉग है जो कि साथ मिलेगा हेलमेट पे, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पे करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हेलमेट के साथ ही आएगा। एंड दीज आर दी टीयर ऑफ्स। तो बेसिकली टीयर ऑफ का क्या काम है बता देता हूँ। टीयर ऑफ आपने देखा होगा ट्रैक में, जितने अगर मोटो जीपी रेसर्स के और भी रेसर्स के आपने हेलमेट पे देखा होगा, एक फिल्म चढ़ी होती है ऊपर की तरफ से, और वो कहाँ लगती है अभी वो भी दिखाएंगे। तो ये टीयर ऑफ उस पर लगते हैं बिकॉज ट्रैक पे हेलमेट पे वाइजर चेंज करने का कोई टाइम नहीं होता है, और काफ़ी सारी ऐसे फीचर्स और काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो उसे टीयर ऑफ का यूज़ करा जाता है। इनकेस अगर इंसेक्ट्स वगैरह अगर लग जाते हैं ट्रैक पे आपके हेलमेट के वाइजर पे, तो आपको क्लीन नहीं करना पड़ेगा, आपने टीयर ऑफ उतारा और सिंपल ये लगा दिया। तो ये चीज़ें साथ में आई हैं पकड़ना, ये दोनों से जुड़ा हुआ है तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। और यहाँ से हेलमेट आपका निकल जाएगा। बैक का भी अभी डिटेल में दिखा दूंगा, काफ़ी लोगों को थोड़ा सा कंसर्न रहता है मेनली कि भाई
बैग किस तरीके का है भाई, थोड़ा सा दिखा दो और कैसा है। और उसके बाद अगेन एक और कैरी बैग में आता है, तो इस कैरी बैग को भी हटा लेते हैं। इस पे भी आपका लिखा हुआ है के आर ई प्लस कार्बन स्ट्रक्चर, स्नेक कार्बन। जल्दी जल्दी निकालते हैं, बिकॉज मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बट वही है आप स्केप मत करना क्योंकि आपके सामने के आर ई प्लस मैंने रख दिया है इस वजह से। सो दिस इज एम टी के आर ई प्लस। हेलमेट है जो है मीडियम साइज में है। ये इसका बैग था जो मैंने आपको दिखाया, जो साथ में आएगा, और इसको अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आई थिंक यू विल लव द क्वालिटी। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि इनके साथ अपना हेलमेट अपना बिना किस वाले कैरी बैग के भी डाल दिया तो हेलमेट आपका सेफ रहेगा इसमें ऑलमोस्ट। तो कैरी बैग को भी साइड करते हैं। टीयर ऑफ्स, तो इसमें जो पीस आते हैं आपके वो 5 पीसेस मिलेंगे, ठीक। और अब बात कर लेते हैं हमारे हेलमेट के बारे में, तो हेलमेट कैसा है वो आपको दिखा देते हैं। तो पहले तो कम्प्लीटली वॉक अराउंड मैं आपको दूंगा इस हेलमेट का। अब देख सकते हैं यहाँ पे के आर ई प्लस अगेन ब्रांडिंग, एम टी की ब्रांडिंग सामने है। इसका जो लॉक है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और अदर हेलमेट्स की तरह नहीं है, ये एल की सेप टाइट होता है। एल प्लस यहाँ पे आपको वाइजर पे रबर वाली के आर ई प्लस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, पहले वेंट्स के बारे में बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे सब एक एक करके वन बाय वन। तो पहले आपको जो वेंट्स भी मिल जाते हैं, इसे वेंट्स कहते हैं, जिससे आपका जो वेंटिलेशन बना रहा है हेलमेट के अंदर आपको और गर्मी ना लगे। तो हेलमेट जो बना हुआ है पर्टिकुलर कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पास से, कार्बन स्ट्रक्चर चलता है वो स्नेक कार्बन है। मोस्टली एमटी के सारे हेलमेट्स में कार्बन का जो स्ट्रक्चर आता है। बात कर लेते हैं टीयर ऑफ की, जो मैं बात कर रहा था टीयर ऑफ्स, तो टीयर ऑफ्स बेसिकली इसके ऊपर लगते हैं यहाँ पे हमारे, और यहाँ पे उन्हें अटकाना होता है, और ये मूवेबल भी होते हैं, और अंदर से एंटी फॉग के लिए भी इसमें प्लेसमेंट है, और बाहर से टीयर ऑफ लगाने के लिए भी जगह है। तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर टीयर ऑफ आपका आगे लग जाता है, उसमें 5 पीसेज है, तो अगर आपको लगता है आपका कोई यूज़ उसमें तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे सामने में मिल जाता है वेंट अगेन, जो कि आपकी ब्रीदेबिलिटी के लिए है, और यहाँ पे मिलेगा हमें लॉकेबल वाइज़र। तो एक बार लॉक दबा के ओपन कर लेते हैं। अभी जो है हमारे हेलमेट का व्यू कुछ इस तरीके से है, और FIM सर्टिफिकेशन हेलमेट है। FIM की फुल फॉर्म आपको पता लग जाएगी, और आप ऊपर से स्क्रीनशॉट में पढ़ सकते हैं, मैंने आपके लिए डाल दिया है वो, तो ईजी हो जाएगा क्योंकि वो इंटरनेशनल कंट्री के हिसाब से लिखा रहता है, तो आप उसे इजीली पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अंदर की बात कर लेते हैं हेलमेट के स्ट्रक्चर की, अंदर से स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस तरीके का है। इसके जो EPS है, जो प्रोटेक्शन के साथ स्नेक कार्बन लिखा, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक बनाया है उसको, और हेड के जो EPS है, जो ऊपर हेड प्रोटेक्शन EPS है, वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक है। फिटिंग की बात करें तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा छोटा सा स्पेस आपको दिख रहा है हेलमेट के यहाँ पे, और जो क्या है पर्टिकुलर जो फिटिंग आपको चाहिए होती है ट्रैक के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया है। इसका जो नोज़ डिफ्लेक्टर है वो भी बहुत अलग तरीके का है आपका, क्योंकि ट्रैक हेलमेट है तो इसमें ऊपर वाला नोज़ डिफ्लेक्टर नहीं चलता, इससे विजन ब्लॉक हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर रखा है। पैडिंग्स की बात करते हैं, तो पैडिंग्स आप देख सकते हो इसमें आपको नॉर्मल पैडिंग्स नहीं मिलने वाली है। इसकी जो पैडिंग है वो EXO लाइनिंग है, जो कि MT की तरफ से आती है। आप देख सकते हो इस पर लिखा हुआ EXO लाइनिंग, अलग ही तरीके का कंफर्ट है इस पैडिंग का, मतलब नॉर्मल पैडिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत कुशनी है। और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो इसमें लेदर पैचेस भी लगा रखे जगह जगह, एंड इधर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा KRE प्लस का। इधर आपको इमरजेंसी क्विक रिलीज मिल जाएंगे, तो इनकेस क्या होता है कि कभी भी फॉल होता है और हेलमेट आपको राइडर के सर से निकालना, तो आप इसे इस पुल करके दोनों पैडिंग को बाहर निकाल सकते हैं। एंड इसका जो फ्रंट वाला एरिया है वो भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखे, और आगे रबरी टाइप पैच है इसमें आगे, यहाँ पे मतलब रबरी यहाँ पे जो आगे है, यहाँ पे एक रबर टाइप कंप्लीट इन्होंने कुछ फिटिंग दे रखी है, जो कि प्रोटेक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा थिक है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील होती है उस टाइम पे। पीछे से बात करते हैं स्पॉयलर की, तो आप देख सकते हैं फुली एरोडायनेमिक हेलमेट है प्रॉपर, और पीछे जो स्पॉयलर है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। बेसिकली स्पॉयलर का काम होता है विंड ड्रैग को कम करना, और आपको इजीली अच्छे से आप स्पीड अचीव कर पाओ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ECDOT, यहाँ पर ISI भी मिल जाएगा आपको, बिकॉज हमारे BIS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ISI सर्टिफिकेशन भी चाहिए। सो दिस इज़ ISI सर्टिफाइड टू। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, प्राइसिंग हेलमेट की क्या प्राइसिंग है। हेलमेट की प्राइसिंग जो है वो 40,000 है, और ये हेलमेट अवेलेबल कहाँ कहाँ हो जाएगा मैं बता देता हूँ। पहला अवेलेबिलिटी आपको जो है पावर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ये powersportsinternational.in, और अगर पावर स्पोर्ट्स के जितने भी ऑथराइज डीलर हैं ये उस पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा हेलमेट, अगर उन्होंने स्टॉक में ले रखा है तो उनके पास ये हेलमेट जो आपको अवेलेबल हो जाएगा। 40,000 कॉस्ट है इसकी।
FIM सर्टिफाइड है, EC सर्टिफाइड है, DOT सर्टिफाइड है, ISI सर्टिफाइड है, इट डजेंट मैटर इन प्रोटेक्शन, मेरे को मेरा ऐसा मानना है। और आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि कार्बन फाइबर हेलमेट होना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ आपको रखे, काफ़ी ज़्यादा सेफ़ फील कराए, और जब भी आप रोड्स पे चलो तो आपको एक रिलायबिलिटी फील हो कि हाँ भाई ठीक है, कि भाई मेरे को जो है फुल प्रोटेक्शन चाहिए। तो उस अगर आप प्लान कर रहे थे KRE प्लस के बारे में, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं हेलमेट के साथ। की बात कर लेते हैं, इसमें जो है आपको डबल डेरिंग मिलने वाली है, तो इसमें डबल डेरिंग ही आएगी आपकी। अगर आपको पैडिंग के बारे में देखना है तो आप आओ, इसका फील लेके देखो प्रॉपर, आप आओ ट्राई भी करके देखो, मैं आपको टेस्ट ज़रूर करवा दूंगा हेलमेट। वन मोर थिंग जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी इस वाले हेलमेट के बारे में, तो इसमें जो है आपको मिलते हैं स्पीकर पॉकेट्स अंदर। तो क्या है, यहाँ पे आपको दोनों साइड में स्पीकर पॉकेट्स मिलेगी, यानी स्पीकर लगाने का स्पेस, यानी ब्लूटूथ इंटरकॉम सहना हो गया आपका, जो भी आप ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करते हो उसमें आप इसमें लगा सकते हो, स्पीकर पॉकेट्स आपको प्रॉपर मिलेंगी। रिमूवेबल वॉशेबल पैडिंग है, वॉश करके वापस से लगा सकते हैं फिर से आप। भी चीज़ अगर रह जाती है तो कमेंट डाउन बिलो, और मेरा इंस्टाग्राम आपको शो ही हो रहा है तो आप उस पर मेरे को बता सकते हैं कि कोई भी अगर आपको इशू लगा या कोई भी चीज़ आपको ये लगा कि मेरे से स्किप हुई है, या फिर आप पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क। इंस्टाग्राम पे DM करो या फिर मेरे को YouTube पे कमेंट करो, मैं रिप्लाई देता हूँ सारे कमेंट्स को और सारे जवाब को। तो वीडियो पसंद आया तो आपने क्या करना है, आपको पता है, आपको करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और वीडियो को करना है शेयर। शेयर कर देना कोई भी कार्बन फाइबर का हेलमेट ढूंढ रहा हो, बिकॉज इंडिया में अभी जो है कोई भी हेलमेट नहीं आ रहा है, AGV वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, और कार्बन फाइबर के अंदर कोई ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो आप MT KRE प्लस ले सकते हो। तो एक मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, लेकिन इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1700 प्लस 50 या प्लस माइनस, तो सेम इसका जो लार्ज साइज आता है उसमें भी एक्चुअल वेट यही है और मीडियम का वेट भी यही है। तो काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई साइज़ के हिसाब से वेट जो रिड्यूस हो, तो इसमें साइज़ के हिसाब से वेट सेम ही क्यों है, तो मैं बता देता हूँ, जो आपका FIM सर्टिफिकेशन है, जो होमोलोगेशन है, उसके अंदर ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि आपके हेलमेट का जो वेट है वो 1700 ही होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर FIM सर्टिफिकेशन चाहिए एक हेलमेट को तो उसका वेट 1700 ही होना चाहिए। तो इसलिए इसमें जो हेलमेट का वेट है वो 1700 है, एंड वेट बढ़ने के रीजन ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें थिक EPS लगे हुए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये कार्बन फाइबर होने के बाद भी 1700 इसका वेट जो है मेंशन है इस पे। लेकिन जब आप इस हेलमेट को पहनेंगे जो इसका वेट है वो पूरा एकदम रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि 1700 वजन का आपने कोई हेलमेट पहना है, क्योंकि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस हेलमेट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने पर्सनली पहना है तो कुछ फोटो मैं अटैच कर रहा हूँ, एक बार वो चेक कर लो, मैंने पर्सनली पहन के देखा, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आए विजिट करें पावर स्पोर्ट्स करोल बाग वाले स्टोर में, और ये आपको दोनों साइज़ मिल जाएगा, मीडियम और लार्ज, जो इस हेलमेट को पहन के देखें, बिकॉज उसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। तो वेट जो है आपको फील ही नहीं होगा, मतलब 1700 एकदम बिल्कुल आपका ऐसा हो जाएगा जैसे 1200 से 1300 ग्राम का हेलमेट है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर से आपको, एक बार आप और चेक करो, बेशक वेट इसका जो है 1700 है, लेकिन जब आप इस हेलमेट को पहनोगे तो उसका वेट जो है बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, और एकदम 1300-1350 के आसपास या 1200-1250 के आसपास आप उसको वेट लगेगा पहनने के बाद, तो बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है। तो काफ़ी लोग यही बोल रहे थे भाई इतना ज़्यादा वेट है तो भाई कैसे होएगा, क्योंकि कार्बन फाइबर हेलमेट है और कार्बन फाइबर हेलमेट का वेट इतना नहीं होता है। सो आए चेक करें और पता लग जाएगा आपको कि वेट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है पहनने के बाद, बट FIM सर्टिफिकेशन के अंदर ये वेट मैंडेट है, ये वेट चाहिए होता है उसके अंदर। तो ये थी आज की वीडियो MT KRE प्लस के बारे में, होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी, और कोई भी अगर डिटेल रह गई है तो आपने कमेंट करना है नीचे, और अगेन इंस्टाग्राम पे पूछना है, मैं रिपीट करके बता रहा हूँ आपको फिर से ये चीज़। तो आपने एक चीज़ और करनी है, आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रोडक्ट देखना, कोई भी चीज़ देखनी हो मेरे पास जो अवेलेबल रहती है स्टोर पे, और उसके बाद में कोई डिटेल रिव्यू चाहिए, कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप मेरे को डाल सकते हैं कमेंट में, तो मैं वो दिखा दूंगा, और उससे क्या है ईजी हो जाएगा, और हम जो है नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना लेंगे आप सभी के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन याद से दबा देना, सबको जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आ जाए और वीडियो आप देख पाओ और मिस ना रहे कोई भी वीडियो। मिलेंगे आपसे ऐसी अच्छी वीडियो के अंदर नेक्स्ट फ्रेश कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, साइनिंग ऑफ प्रशांत भट, बाय बाय, मिलते हैं आगे। तो यहाँ से चलते हैं फटाफट, बैठते हैं बस में और पहुँचते हैं बाहर, बैग कलेक्ट करने के बाद भाई सीधा कैब बुक करनी है, और भाई मेरे को पहुँचना घर, क्योंकि वो बहुत तेज लगे इस टाइम, और यहाँ से पहुँचना है हमें घर फटाफट से कैब करके, ऊबर वो भी बाहर वाली कैब नहीं लेंगे, ऊबर लेंगे।